उनके पीछे भागना बेवकूफी है। ये बेशक अरावली नदी के रास्ते से जाएंगे जो कि 5 राज्यों से जुड़ती है। ये हमारे आसपास भी होंगे तो भी हमें भनक नहीं लगेगी, वो यहाँ से वहाँ भटकते ही रहते हैं। उन्हें अरेस्ट करना तो नामुमकिन है। हाँ, मैं उन्हें मैसेज पहुँचवा सकता हूँ कि कभी भी मद्रास की तरफ ना जाए। वो अपने स्टेट में क्राइम नहीं करते, बाकी सब स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ की भाषाएं भी जानते हैं। जब वो इंसान को देखते हैं तो उन्हें इंसान नहीं दिखाई देता, इंसान के पहने गहनों पे नजर होती है उनकी। अगर मैंने उनकी खबर दी तो वो हमें मार देंगे। वकील बाबू, आज तक पुलिस वालों ने मुझ पर हाथ डालने की जरूरत ना की, पुलिस यहाँ कैसे पहुंच गई? आपने गुमड़ी पुंडी के एक एमएलए को मारा था ना? वो एमएलए का घर था। साले ने मरने को चाकू दिखाया, सीधे उसके दिल में बुलेट ठोक दी मैंने, ठाम फो, गोली भीतर और जख्मी दिल बाहर। उन्हें पता कैसे लगा कि आ मैं है? उंगलियों के निशान। उंगलियों के निशान? होशियार रहना पड़ेगा, उंगली की छाप से यहाँ तक पहुँच गए। बन्ना सिंह, गांव वालों से हमला करवा के गलती की हमने, देखना अब वो अकेला नहीं आएगा, सरकारी मुलाजिम है, वो 2-4 दिन खाक छाड़ेगा फिर इधर ही लौट के आएगा। वो गलती से उनके हाथ ना लगी हो, भलाई इसी में है कि चुपचाप यहीं पड़े रही हो। कोई गड़बड़ हुई तो वकील बाबू को भेज दूंगा, मैं अरावली पहाड़ में छुपा रहूंगा, काल भैरव के आशीर्वाद से सुरक्षित रहूंगा। जय भवानी। पंडित नाम है उसका, गांव का सरपंच भी है वो। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के मार्केट में 5 सुपारी का सप्लायर है वो, अंदर तक कनेक्शन है जी उसका। एक वही है जो आपकी मदद कर सकता है जी। कहाँ मिलेगा? सर, वो पंडित आ रहा है। मने माफ करो भाया, चाहो तो जेल में ठूस दो, उनके हाथ टॉर्चर होने से अच्छा पुलिस की 3rd degree सेल लूंगा। तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा मैं। प्रोटेक्शन? आपको अंदाजा भी है वो कितने खतरनाक है? घर में जहरीले सांप फेंक के भाग जाएंगे, आधी रात को पेट्रोल डाल के घर जला जाएंगे, रात भर घर की चौकीदारी करोगे? सर, तालाब के मगरमच्छ से कौन जिंदा बच के रह पाया आज तक? मौका मिलते आपके सर पे गोली दाग देंगे। उनके बारे में कुछ जानते ना तो कभी ऐसी बात नहीं करते सर जी आप। जानता हूँ। के जानते हो सर? कुछ नहीं पता। चलो दो बातें बताओ। ये इनके वंशज है, आर्मी में गुरिल्ला वॉर के एक्सपर्ट थे, चुपके से वार करने के हुनरमंद। 1600 AD में और मुगलों में एक भीषण युद्ध हुआ, बहुत बड़ी सेना लेके जंग के मैदान में आ पहुंचे। मुगलों की सेना उनके मुकाबले बहुत छोटी थी, अपनी युद्ध नीति और सेना बल की वजह से मजबूत स्थिति में थे। हर सैनिक युद्ध आरंभ करने से पहले बावली की आराधना करता है ताकि बिना जान गवाए लड़ाई जीत सके, पर इस युद्ध में हार हुई, वैभवशाली साम्राज्य नष्ट हो गया। युद्ध होने से पहले पूजा की जाती है, युद्ध के भगवान के आगे बैल की बलि चढ़ाई जाती है, गलती से खून मूर्ति पर आ गिरा, इसी पाप के चलते युद्ध में उनकी हार हुई, पत्थर मार के उन्हें जंगलों की ओर भगाया गया। साम्राज्य के पतन के बाद उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था, मुगलों के हाथों मरने के डर से दर दर भटकते थे, काम की तलाश में ये लोग अपने गांव की ओर लौटे, तब से आज तक चोरी और शिकार करके अपना गुजारा करते, और पीढ़ी दर पीढ़ी शिकार करना उनका मुख्य पेशा रहा था। 1980 में गवर्नमेंट ने पशुओं के शिकार पर पाबंदी लगा दी, सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से फिर से शिकार करने लगे, लेकिन इस बार इंसानों का। उरे पुलिस की भी जीके सॉलिड होती है, लेकिन सर वो लोग कभी एक टाइम पे एक जगह नहीं रहते, हर दिन शहर बदलते हैं।
अगर उनको सच में पकड़ना चाहते हो ना तो ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। एक इन्फॉर्मेशन, 50,000 रुपए। 50,000? लो कर लो बात, मेरा यो ही रेट है एक इन्फॉर्मेशन का। आप तो सीरियस हैं? यो बड़ा मजाक तो नहीं है सर? ओके सर। सर आज के बाद ना आप मुझसे मिलने यहां पर मत आना, गांव में भड़क लग गई तो वो भड़क जाएंगे। मैं पनवाड़ियों तक खबर निकलवा लूंगा, कुछ पता चला तो मेरे आदमी की दुकान किले के सामने है, उस दिन हरे रंग की पगड़ी पहनी होगा वो। हम उसके ग्रीन सिग्नल का वेट करने लगे, यानी हरी पगड़ी। एक तरफ पंडित के आदमी खोज करने में लगे थे तो दूसरी तरफ हम रोड साइड स्टॉल्स में रेलवे प्लेटफॉर्म पर कोई जगह नहीं छोड़ी। महीनों हो गए थे घर गए, बन्ने सिंह की तलाश में नॉर्थ में एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमते हुए। सर्दी गर्मी धूप धूल, जहां जगह मिलती वहीं सो जाते। किसी और को इस गैंग का शिकार नहीं होने देना चाहते थे। हमारा गुस्सा ही हमारी ताकत था, हर मुश्किल से जूझने का हौसला देता। घर का खाना नसीब नहीं था, होटल के पैसे भी कम पड़ने लगे। अब अपने बर्तन भी साथ रखने लगे ताकि खुद का पसंदीदा खाना बना सके। सर खाना टेस्टी है, आपकी वाइफ बहुत लकी है सर। कैसा बना? किस चाहिए? सुपर। रुको रुको रुको, यही वो बंदा। स्पेशल पान का है भाई, एक मीठा पान दे दे। ठीक है सर, पंडित से इंफॉर्मेशन मिल गई। वेरी गुड सर। सेतु सबको बुलाओ। ठीक है सर। सत्या तुम इस ऑपरेशन से हट जाओ, एक दूसरा काम आया। सर मुझे इस टीम से हटा दीजिए, मैं जानता हूं आप मेरे लिए कितने परेशान रहते हैं, मुझे देख कर दुखी होते रहते हैं, मुझे कहीं दूर भेज दीजिए। सब लोग आ गए हैं सर। यस सर। ये रखो, उस आदमी को फॉलो करो। थैंक यू सर। राम सिंह, उम्र 55, बन्ने सिंह का चाचा है, इस गैंग का ऑर्गेनाइजर, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जिसे यहाँ पटवारी कहते हैं। इनके कास्ट से इकलौता पढ़ा लिखा इंसान गैंग के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है और हेड बन के उनके डिस्प्यूट्स सेटल करता है। उनके सभी कोर्ट केसेस भी हैंडल करता है, लूटे हुए जेवर को कैश में कन्वर्ट करवाता है, उनका लीगल चेहरा है। अगर उसे पकड़ लें तो इस वक्त फरार बन्ने सिंह के अलावा गैंग के बाकी मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। लोकल पुलिस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उसके, पूरे गांव में उसकी धाक है। हर दिन अपने दिए लोन्स पे ब्याज लेने भरतपुर मार्केट आता है, वहीं हमें चुपचाप इसे उठाना होगा। गांव जाके देखा ना, मार्केट में उससे भी ज्यादा गुंडे पाल रखे इसने, पकड़े जाएंगे। अपनी गाड़ियों पे लोकल नंबर प्लेट लगवाओ, सुबह के टाइम काफी भीड़ रहेगी, उसे अरेस्ट करते समय अगर भीड़ इकट्ठी हो गई या उसे शक हो गया तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा। जब भी उसे पकड़ेंगे किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। प्लान वर्कआउट कर लिया है, फेल होने का कोई चांस ही नहीं है।